फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान के दीपक में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मैं दीपक बिस्ट आपके लिए लेके आए हूँ आज एक और बहुत ही खास वीडियो दोस्तों यहाँ पे हम लो टनल बना रहे हैं जो कि छोटा सा गुफा बोलते हैं उसको जो दोस्तों एक पोली हाउस की तरह होता है तो दोस्तों यहाँ पर हमने अंदर ड्रिप लाइन बिछाई है ड्रिप लाइन तो हमारे हमको अवेलेबल हुई नहीं अभी हम ड्रिप लाइन के बदले हमने यहाँ पे बिजली के पाइप बिछाए हैं जो कि ड्रिप लाइन से भी सस्ती पड़ी है तो यहाँ पे दोस्तों हमने खीरे के पौधे लगाए हैं आप देख सकते हैं यह खीरे के पौधे हमने सीड ग्रो ट्रे में फ्रूट ट्रे में इसको प्लांट किया था जैसे दोस्तों इसके दो पत्तियाँ हो जाते हैं तो तीसरी पत्ती लगभग आने को होती है तो हम इसको प्लांटेशन ज़मीन पर कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों इसकी ग्रो बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों यहाँ पे हमने मल्चिंग तरीके से लगाई है मल्चिंग को हमने इस तरीके से पिन से दबाई हुई है इन पन्नी को यहाँ पे आप देख सकते हैं तो दोस्तों इससे इसके अंदर मॉइस्चर बने रहता है आप देख सकते हैं अभी भी इसके अंदर मॉइस्चर बन गया है ये पानी इसके अंदर आ गया है ये मॉइस्चर बन गया है दोस्तों यह इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर नमी बनी रहे पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी की कमी ना हो और टेम्परेचर इसको ज़्यादा मिले और दोस्तों क्योंकि दोस्तों हम उत्तर भारत में रहते हैं यहाँ काफ़ी ठंड होती है अभी जनवरी लास्ट वीक चल रहा है दोस्तों इस समय हम खीरा लगाएंगे तो हमको जल्दी ही अगले महीने फरवरी लास्ट तक हमको खीरे खाने के लिए मिल जाएंगे वैसे दोस्तों खीरे का मौसम जो होता है गर्मी का मौसम होता है अप्रैल के बाद आमतौर पर लोग इसको लगाते हैं इसके बाद दोस्तों हम इस पर पॉलीथीन का कवर करने वाले हैं जैसे हमने यहाँ पर पॉलीथीन का कवर कर रखा है ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट ग्रो ट्रे है साथ ही हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी लगाई है इसकी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी तो दोस्तों इस पे हम अभी हमने यहाँ पे मिट्टी खोद दी है एक साइड से हम इसको इसके ऊपर पोलीथीन का कवर कर लेंगे जैसे यहाँ पे किया हुआ है और दूसरी तरह दोस्तों हम इन हुक से इसको लॉक करेंगे क्योंकि जब चाहे हम इसको खोल सकते हैं पौधों की ग्रोथ देख सकते हैं उसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और पानी के लिए यह पाइप लगा हुआ है जो कि हमारे स्ट्रॉबेरी के गार्डन से होते हुए आ रहा है तो दोस्तों बने रहेगा हमारे चैनल में हम इसकी अपडेट वीडियो अभी जल्द ही डालेंगे धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए